महोदय, सरकार के लिए यह चिंता का विषय अवश्य होगा कि गेट समझौते के प्रारूप पर बिना शर्त हस्ताक्षर करने के बाद देश में समझौते का विरोध शांत होने के बजाय तीव्र हो गया है। अब अधिकाधिक भारतीय नागरिक और संगठन यह मानने लगे हैं कि गेट समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करके सरकार ने राष्ट्र के हितों की कुछ सीमा तक बलि चढ़ा दी है। समझौते की व्यवस्थाओं से भारतीय व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था के संभावित लाभों पर सरकार जितना बल देती है, लोगों की आशंकाएं उसी अनुपात में बढ़ती जा रही हैं। यह स्थिति वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में राजनीतिक टकराव की ओर ले जा रही है, क्योंकि समझौते के मसविदे का विरोध करने में वामपंथी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी होली है। कैट समझौते पर गत गुरुवार को राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा में जब वाणिज्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया तो गैर कांग्रेस सभासदों ने बहुत टोकाटोकी की। जब वाणिज्य मंत्री गैट समझौते के समर्थन में बोल चुके तो सरकार के आलोचक संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने सरकार के कदम और इस संबंध में ढुलमुल नीति पर विरोध प्रकट करने के लिए सदन से वॉकआउट किया। देश में गेट समझौते के विरुद्ध जो आंदोलन सा खड़ा हो गया, उसे देखते हुए विपक्ष द्वारा इस मामले पर प्रदर्शित एकता पर आश्चर्य की कोई बात नहीं मालूम पड़ती। अगर सरकार अपने आलोचकों का मुंह बंद करना चाहती है तो उसे गेट समझौते की व्यवस्थाओं और उसके अनुकूल एवं प्रतिकूल फलितार्थों को संसद तथा देश की जनता के सम्मुख रखना चाहिए। अभी किस्तों में जो सफाई दी जा रही है, उससे उल्टे संदेह ही बढ़ रहे हैं। यह उत्तर कि सरकार ने गेट समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करके देश की संप्रभुता को कम नहीं किया है, वाणिज्य मंत्री की ओर से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की ओर से, और वह भी एक विस्तृत वक्तव्य के रूप में आना चाहिए। यह सलाह देना काफी नहीं कि विपक्ष को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब विपक्षी दलों ने गेट के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का निर्णय ही कर लिया है तो उन्हें यह विषय सदन में नहीं उठाना चाहिए। चिंता का विषय यह है कि गेट समझौते पर विपक्ष सरकार को चुनौती देने जा रहा है और सरकार मात्र आश्वासन दे रही है। विराम।
Audio Jungle.